आर स्टार्टिंग ए न्यू टॉपिक ऑफ मैथ दैट इज टॉपिक फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द लोअर स्टूडेंट लोअर क्लास स्टूडेंट. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. अब फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है. फेस वैल्यू पहले देखते हैं. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू आज की टॉपिक है. फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू. तो सर्वप्रथम हम देखते हैं फेस वैल्यू. फेस वैल्यू अधिकांश देखते हैं आप लोग फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं. पहले हम हिंदी में देखते हैं कि फेस वैल्यू को हिंदी में क्या कहते हैं. फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं अंकित मान. हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेके चल रहे हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. अंकित मान या जाति मान या जाति मान. अब हम देखा जाए कि फेस वैल्यू होता क्या है. फेस वैल्यू क्या होता है. तो फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए नंबर इज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ. इसका मतलब क्या हुआ कि फेस वैल्यू किसी भी अंक का वही फेस वैल्यू होती है जो जिस अंक का हमें निकालना है. वो अंकित मान फेस वैल्यू जिस अंक का हमें निकालना होता है वही अंक उसका फेस वैल्यू होता है. जैसे एग्जांपल्स हम आपको बता दें 3, 5, 2, 4. अगर इसमें से हमें 5 का फेस वैल्यू निकालना है तो हमने आपको क्या बताया कि किसी संख्या में किसी भी अंक का अंकित मान किसी भी संख्या में किसी भी संख्या का अंकित मान वही संख्या होती है. स्थान परिवर्तन से उसके अंकों के अंकित मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. जैसे 5 है, हमने क्या बताया कि जिसका फेस वैल्यू हमें निकालना है फेस वैल्यू ऑफ 5 जिसका हमें निकालना है वही संख्या होगी. एक चीज हमने क्या कहा कि स्थान परिवर्तन से उसके अंकित मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा. अगर हम इसके स्थान को चेंज कर दें 5 यहां ना रख के 5 यहां रख दें हम और यहां 2 रख दें तो 5 के फेस वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. ये हम समझाना चाहते थे. अर्थात जिस संख्या का फेस वैल्यू हमें निकालना है वही संख्या उसका फेस वैल्यू होता है. मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग को फेस वैल्यू समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं. फेस वैल्यू के बाद क्या कहते हैं आप लोग को प्लेस वैल्यू. फेस वैल्यू हम लोग जान गए. फेस वैल्यू क्या होता है जिस नंबर का हमें फेस वैल्यू निकालना है वही नंबर भी उसका फेस वैल्यू होता है. अब फेस वैल्यू के बाद प्लेस वैल्यू. ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी टॉपिक है. प्लेस वैल्यू. प्लेस मतलब क्या होता है बेटा? स्थान. प्लेस मीन्स क्या होता है? स्थान. और वैल्यू मीन्स मान. तो इसकी हिंदी क्या होती है? स्थानीय मान. स्थानीय मान. अब स्थानीय मान से आपको क्या समझना है? स्थान मतलब किस स्थान पे है, यही हमें देखना है कि कोई भी नंबर है वो किस स्थान पे है वही उसका स्थानीय मान होता है. मतलब कि कोई भी नंबर किस प्लेस पे है वही उसका प्लेस वैल्यू होगा. जैसे हम एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल में 7, 3, 2, 4. अगर इसमें हम कहे कि 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है, किसका प्लेस वैल्यू निकालना है? 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है. अब हमें इसे नंबर सिस्टम पे पहले फिट करते हैं. नंबर सिस्टम सब लोग जानते हो, जैसे 1s, 10s, 100s, 1000s, 10,000s, 1,000,000, 10,000,000. आप जानते हो आगे का. तो इसको हम इस पे रखते हैं नंबर सिस्टम. 4 10s की जगह 2, 100 की जगह 3, 1000 की जगह 4. हमें निकालना किसका है प्लेस वैल्यू? 3 का. तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालना है हमें, तो ये देखते हैं कि 3 किस प्लेस पे है. तो 3 किस प्लेस पे है? 1, 10, 100. और 100 प्लेस पे 3 है, इनटू 100. आंसर कितना आ गया? 3. इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें 7 का निकालना हुआ कि 7 का प्लेस वैल्यू 7 कौन से प्लेस पे है? 1s, 10s, 100s, 1000 पे. क्या हुआ आंसर? 1000. समझ आ गया? एक एग्जांपल और करके देखते हैं, इसे मिटा दें.
एक एग्जांपल और करके देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्लेस वैल्यू, फाइंड द प्लेस वैल्यू, सॉरी, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। सेवन एट नाइन थ्री फोर, इसमें क्या कहा है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द गिवन नंबर। जो भी नंबर दिया गया है इसमें प्रत्येक अंकों का हमें प्लेस वैल्यू ज्ञात करना है। एकदम इजी, देखिए टू, अब इसमें ध्यान से देखिए आप, यहां मल्टीप्लाई करने की विशेष जरूरत नहीं, वो कैसे आया था हम आपको समझा दिए। टू है, टू लिख देंगे क्योंकि इसके बैक साइड, इसके पीछे कोई संख्या नहीं है, टू लिख दिए। अब देखिए थ्री, थ्री का कैसे निकालेंगे, थ्री लिखेंगे। अब देखिए थ्री के पीछे कितने नंबर है, सिर्फ एक, एक ही अंक है, एक ही डिजिट है, एक जीरो लगा दिए। फिर नाइन, अब नाइन के पीछे देखिए कितने डिजिट है, वन टू, वन टू। एट, एट लिख देते हैं, एट के पीछे देखिए कितने डिजिट है पूरे, वन टू थ्री, हाउ मेनी जीरो, थ्री, वन टू थ्री। नेक्स्ट सेवन, सेवन, सेवन के पीछे देखिए कितने डिजिट है, वन टू थ्री फोर, हाउ मेनी जीरो, फोर, वन टू थ्री फोर। समझ में आया आप लोग को, एक बार और रिवाइज कर देते हैं। सेवन एट नाइन थ्री टू का हमें प्लेस वैल्यू निकालना है प्रत्येक नंबर का, टू को टू लिख दिए, थ्री लिखे, थ्री के पीछे कितने डिजिट है, वन डिजिट है, वन जीरो लिखे, नाइन का निकालना है, नाइन लिखे, नाइन के पीछे कितने डिजिट है, टू, वन टू डिजिट, टू जीरो लिखे, एट का निकालना है, एट लिखे, एट के पीछे कितने डिजिट है, वन टू थ्री, वन टू थ्री। सेवन का, सेवन लिखे, कितने डिजिट है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इसी तरीके से अगर एक नंबर का किसी का पूछता है, जैसे फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट्स, ये मिटाते हैं आपको। जैसे एक क्वेश्चन इसमें पूछ दिया कि अंडरलाइन किसी एक नंबर का पूछ रहा है, जैसे पूछ दिया नाइन का, तो नाइन का कैसे निकालेंगे हम, नाइन लिखेंगे, नाइन के पीछे कितनी डिजिट बची हुई है, वन टू, वन टू, तो नाइन का प्लेस वैल्यू क्या हुआ, नाइन, इतना हुआ 990। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। नाउ आई एम गिविंग सम क्वेश्चन विच विल वी ट्राई योर होम एंड कमेंट दैट ऑन द कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन हम दे रहे हैं घर से, आप करेंगे और कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर 7325। यहां क्या लिखा गया, अंडरलाइन डिजिट, जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं सिर्फ उसका प्लेस वैल्यू आपको निकालना है। विश्वास है आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये आप लिखिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए।